तो दोस्तों फाइनली सीएसके ने जीता अपना चौथा किताब जो कि आईपीएल का किताब के राज करते हुए लगातार नजर आ रही है सीएसके की टीम। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने यहां पर बहुत अच्छी तरीके से जश्न मनाया और जश्न में डूबा पूरा का पूरा चेन्नई। जब आज सिक्का उछला तो गया इयान मॉर्गन के पक्ष में, लेकिन इयान मॉर्गन ने सोचा नहीं था कि मैच जाएगा हमारे यानी कि सीएसके के पक्ष में। मैं भी सीएसके का सपोर्टर हूं और सीएसके को लगातार सपोर्ट करता आ रहा हूं। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस मैच के बारे में तो यूएई के लेग में इस मैच को बहुत अच्छा तरीके से खेला गया और साथ ही साथ उम्मीद है कि यह मैच भी बहुत अच्छी तरीके सुपेट के साथ साथ एकदम थ्रिलर मैच हो गया। और यहाँ पे अगर बात कर ले कि क्या कुछ है सेलिब्रिटीज का रिएक्शन इस पर, तो धोनी को लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस कहा है और केकेआर के ओनर यानी कि शाहरुख खान ने भी यहाँ पर पूरा का पूरा खुशी जताई है कि सीएसके हैव वन देयर फॉर द टाइटल एंड वी हैड सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर पूरी के पूरी तरीके से हर कोई अपने अपना रिएक्शन दे रहा है। तो इस समय सौरभ गांगुली ने भी कहा कि कांग्रेचुलेशन सीएसके। विशाल पुडू ने यहाँ पर पूरा का पूरा साबित कर दिया है कि इनसे बेस्ट टीम आईपीएल में कोई भी नहीं हो सकता है। वहीं रैना ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया और साथ ही साथ युवराज सिंह ने भी अपना यहां पर रिएक्शन दिया है कि जो टीम एक साल पहले नहीं खेल पा रही थी यानी कि जो टीम एक साल पहले फर्स्ट प्ले टीम बन चुकी थी प्लेऑफ से बाहर होने वाली और आज ये फाइनल जीतकर इसने एक इतिहास भी रच दिया है और कंसिस्टेंसी को अपने बरकरार रखा है और साथ ही साथ इसने नवा फाइनल खेल के चौथा टाइटल अपने हाथों में ले लिया है। उम्मीद दोस्तों आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय। वैसे तो ये मेरा मूवी का चैनल है लेकिन मैं आज पहली बार सीएसके की वजह से यहां पर आया हूं और साथ ही साथ यहां पर मैं इसका पूरा का पूरा सपोर्ट करने ही आया था और मैं सीएसके का बहुत दिल चाहने वाला फैन हूं। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय। और अब अगली वीडियोस जो भी आएगी वो सब आपको मूवियों की ही खबर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद।